कुंभ राशि संतान योग, कुंभ राशि संतान सुख, कुंभ राशि संतान प्राप्ति योग, कुंभ राशि संतान कब होगी, कुंभ राशि वालों की संतान प्राप्ति कब होगी, कुंभ राशि वालों के संतान योग कब है, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। पिछले 15-16 साल से, काफ़ी लंबे समय से, बाय प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ज्योतिष में कार्यरत हूं। पूरी दुनिया भर में मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उनमें से कई सारे कपल होते हैं, यानी कि दंपत्ति होते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, प्रेडिक्शन लेते हैं, रेमेडीज़ मांगते हैं। तब अक्सर मैंने देखा हुआ है कि उनके एक प्रश्न अक्सर देखने के लिए मिल ही जाता है कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, संतान ही नहीं हो रही, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही। अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जा रही है, मिसकैरेज हो जाता है। तो ये बहुत परेशान करने वाले कुछ पहलू हमारे सामने अक्सर आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। इसके पीछे की अगर वजह देखें तो कुंडली मैचिंग अच्छे से ना हो पाना, ये भी एक कारण हो सकता है। कुंडली मैचिंग हुई थी लेकिन इंडिविजुअल चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह स्थिति होती है, प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे कुछ होती हैं, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। अब उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या जस्टिफाई करने की बात ज़्यादा ना करते हुए संतान योग कब बनेगा, पॉजिटिव बात करेंगे, उसके विषय में चर्चा शुरू करते हैं। आपकी कुंभ राशि है, यानी कि ऑड साइन है, ऑड इवन दो साइन हो सकती हैं, दो प्रकार की साइन हो सकती हैं, आपकी ऑड साइन है, यानी कि एक ही संख्या के साइन है, विषम राशि है। आज हम दो अलग अलग प्रकार के प्रेडिक्शन की चर्चा करेंगे। एक होता है ट्रांजिट यानी कि गोचर, एक होता है इंडिविजुअल चार्ट यानी कि आपका पर्सनलाइज चार्ट, आपकी खुद की कुंडली, पति पत्नी दोनों की कुंडली का वहाँ पर अवलोकन विश्लेषण होगा। अब चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण माहिती आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पुत्र प्राप्ति योग, पुत्री प्राप्ति योग, संतान प्राप्ति के लिए उपाय, संतान कब होगी, कैसे जाने, प्रेगनेंसी के दौरान जेंडर प्रेडिक्शन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, तथा निःसंतान योग यानी कि संतान बाधक योग, ऐसे महत्वपूर्ण कुछ बहुत ही बेहतरीन वीडियो पर हमारी चर्चा हुई थी, जिनमें से कुछ वीडियो के लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में और बाकी के इसी वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर वीडियोस के लिंक्स अटैच कर दूंगा। आप वहाँ से सारे ही वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज गैदर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। अब आज की चर्चा जो मैं कर रहा था वो चर्चा शुरू करते हैं। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने ट्रांजिट का गोचर का बताया था वो एनालिसिस कैसे करें, चर्चा शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, गूगल पर सर्च करना है, गूगल करना है कि देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट फिलहाल ट्रांजिट में, गोचर में कौन से राशि में बैठे हुए हैं। फिलहाल यानी कि इस समय जो आप समय पर वीडियो देख रहे हैं उसी समय पर ही आपको देखना है। पति पत्नी दोनों की कुंडली साथ में लेकर के बैठिए। अगर मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति ऑड साइन में ही हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन्हीं में से किसी राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर यानी कि ट्रांजिट में बैठे हुए हैं, तो आपका संतान योग बना हुआ है, आप प्रयत्नशील हो जाइए, आपको संतान उत्पत्ति का फिलहाल लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मान लीजिए जुपिटर ट्रांजिट में इवन साइन में बैठे हैं यानी कि सम राशि में बैठे हैं, बेकी संख्या की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। जैसे ही एक ही संख्या में आएंगे, जैसे ही ऑड साइन में आएंगे, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति संतान योग बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आसान सरल था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट की जो मैंने बात करी थी इंडिविजुअल चार्ट्स की, पर्सनलाइज चार्ट्स की, आपकी खुद की कुंडली की, वो चर्चा शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक कि आपको समझ आ जाएगा। आपको पति और पत्नी दोनों की कुंडली लेकर के बैठनी है, दोनों की विषमतरी दशाएं जो होती हैं उसका ग्राफ भी साथ में लेकर के, उसका चार्ट भी साथ में लेकर के बैठना है। एक चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हैं, राशियों के नाम लिखे हैं तथा ग्रहों के नाम लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। पंचम स्थान, अब एक और एग्जाम्पल चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पंचम स्थान देखिए वहाँ पर कौन से ग्रह की राशि बनी हुई है। अब तीन पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊँगा, तीनों को आपको लिख लेना है, समझ लेना है।
पंचम स्थान में जिस ग्रह की राशि बनी है उसका नाम लिखिए। पंचम स्थान में क्या कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है? शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, चार शुभ ग्रह होते हैं। इनमें से कोई भी पंचम स्थान में बैठा है क्या? दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट, शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है क्या पंचम स्थान पर, ये आपको देखना है। तीन पॉइंट हो गए। देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट संतान के लिए कारक हो जाता है। अब विषुंतरी दशा में आ जाइए, शुभ ग्रह की दृष्टि या जो बैठा हुआ है अन्यथा जो पंचम स्थान के अधिपति जो ग्रह हैं उनकी कोई भी महादशा अंतरदशा का पीरियड चल रहा होगा और उसमें गुरु का अंतर आ जाएगा, आपके लिए संतान योग बन जाएगा। देव गुरु बृहस्पति की महादशा चल रही हो और जो मैंने तीन पॉइंट बताए थे उसमें से किसी भी ग्रह का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का टाइम आ जाए, आपके लिए उस समय भी संतान योग बनता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर तथा वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ करके एनालिसिस करवा सकते हैं, प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, ज़रूरत लगी तो हमारी तरफ से आपको रेमेडीज़ भी सजेशन करी जा सकती है। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्लियर हुए। अब एक और महत्वपूर्ण माहिती आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ऐसे ही और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे करियर, सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य ज्योतिष जिज्ञासा, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, पंच महापुरुष योग, राशिफल, जेमस्टोन, संतान सुख जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होती आ रही है। इसी यूट्यूब चैनल धनवेश्वर ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोज देख करके संपूर्ण माहिती आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।